सब जो ट्रेनी में साथ में आए हैं, साथ में मौजूद हैं मंच पर, मैं यहाँ के गणमान्य नागरिकों में से जो यहाँ हमारे बीच में पंडाल में बैठे हैं, आप में से मैं मुफ्ती अरशद साहब से निवेदन करूंगा कि वे आप मंच पर आकर विराजमान हो। बहुजन क्रांति मोर्चा जैसलमेर के प्रभारी माननीय मालाराम जी हड्डा से निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर आकर विराजमान हो। मालाराम जी हड्डा स्वागत की औपचारिकता शुरू करने से पहले सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन रहेगा कि वो बाबा साहब के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर बाबा साहब का आदर सम्मान करें, आदरांजलि अर्पित करें। है इस देश के ऐसे
6743 जातियों और धर्म अल्पसंख्यक के लोग में जो धर्म प्रवृत्ति थे मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई आदि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़कर इस देश के अंदर भाईचारा पैदा करके 85% बहुजनों को एक साथ में लाकर एक संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहता है। इस संगठित शक्ति के द्वारा इस देश के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करके बहुजनों के आजादी का जो आंदोलन है उसमें निर्माण करके इसको कामयाब बनाकर समता स्वतंत्रता और बंधुता और न्याय आधारित जो हमारे संत महापुरुषों ने समाज की जो संकल्पना की थी समता पूर्ण समाज की जो उन लोगों ने सपना देखा था उसको साकार करने के लिए ये बहुजन क्रांति मोर्चा एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। क्रांति का इस देश के अंदर उद्भव हो रहा है और देश की जनता आंदोलित हो रही है और ये क्रांति जरूर आपके तन मन धन के सहयोग से इस देश के अंदर सफल होगी। इस बहुजन क्रांति मोर्चा के स्वागत के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आसीन हमारे प्रदेश प्रभारी बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रवेश माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मोहम्मद अली जो जैसलमेर जिला बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्य हैं सह संयोजक हैं आपसे निवेदन रहेगा कि आप माल्यार्पण कर Gracias.
जिंदा हो गया अति
एसपी मोहन गांधी महोदय जी, प्रदेश प्रभारी बड़े भाई नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक इंजीनियर पी एल सुभा साहब, जोधपुर संभाग के प्रभारी माननीय मोहनदाजी वालवाल साहब, मुफ्ती साहब, क्रांतिकारी विचारक प्रदीप जी, माता नाम जी और सामने विराजमान समस्त युवा शक्ति बुद्धिजीवी, बहुजन क्रांति मोर्चा की यात्रा राजस्थान के गंगानगर शहर से 16 अगस्त को शुरू हुई। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और आज आपके आखिर जैसलमेर शहर में पहुंची है। 2 दिन का कार्यक्रम जैसलमेर में था। सेलवे के बाद फसल हरियाणा बिपुड़ाई होते हुए पोखरण रोमन दादा लाठी जाकरण वर्ग भी इसका समापन यहाँ पर होने जा रहा है। जैसलमेर जिले में बहुजन क्रांति मोर्चा को अपार स्नेह और अपनत्व का एहसास होगा। बड़ी संख्या में हमारे समाज के क्रांतिकारी लोगों ने जगह जगह स्वागत और सभाओं का आयोजन किया, रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रखा। इसलिए सर्वप्रथम मैं बहुजन क्रांति मोर्चा राजस्थान की ओर से समस्त जैसलमेर वासियों का हृदय के अंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देश के अंदर विभिन्न परिस्थितियां आज खड़ी हो गई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को, इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए और गैर बिरादरी को खत्म करते हुए इस बहुजन समाज को इस देश में इंसान जैसी जिंदगी जीने के लायक बनाने के लिए संविधान जैसे मानदंड की रचना की। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इस देश में लोकतंत्र लागू हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज हम लोगों की नागरिकता की कमी से संविधान को जंतर मंतर पर जलाया जा रहा है। संविधान को जलाया ही नहीं जा रहा है, संविधान को बदलने की पूरी साजिश चल रही है। संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करने का पूरा प्रयास चल रहा है। इस देश के अंदर माननीय काशीराम साहब ने इस बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की। लेकिन कांग्रेस के लोगों को इंदिरा गांधी मतलब ये एहसास हुआ कि माननीय काशीराम साहब जो काम कर रहे हैं उस काम का आने वाले समय में जब परिणाम आएगा तो इस देश के बहुसंख्यक समाज के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग इस देश के हुक्मरान बनेंगे। तो इंदिरा गांधी ने 80-90 के दशक में ये प्लानिंग बनाकर ईवीएम मशीन का सहारा लिया। उस ईवीएम मशीन से 2004 से लेकर 2009 और 2014 के चुनाव में हुए उसमें ईवीएम मशीन से घोटाला करके इस देश के लोकतंत्र की गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस देश के लोकतंत्र के साथ में गलत व्यवहार हुआ, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच गई। संविधान लागू होने से इस देश के बहुसंख्यक समाज को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिली और एमएलए एमपी बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, यहां तक कि आज भारत के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रपति के सामने संविधान की आग लग रही है, राष्ट्रपति के सामने ऊना कांड हो रहा है, राष्ट्रपति के सामने मुजफ्फरनगर कांड हो रहा है, राष्ट्रपति के सामने इस देश का पूरा मुस्लिम पूरा मुस्लिम जाति जनजाति जल रहा है। इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भी रो रहा है। इस देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के 121 एमपी भारत की पूरी विधानसभा के अंदर, भारत की पूरी विधानसभा के अंदर 70 अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक, राजस्थान की गवर्नमेंट में 200 विधायक बैठते हैं उसमें 59 विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। लेकिन क्या कारण है कि आपकी जैसलमेर की मूर्ति काफी समय पर अब जाके आबाद हुई है,
करता, जब हम लोग कभी मूर्ति का माल्यार्पण कर बाबा साहब का अभिवादन कर रहे थे तो इतनी गंदगी सी भरी हुई थी जिसकी हद होती। हमने शेरगंज के अंदर देखा बाबा साहब का सिर कटा हुआ, मूर्ति ढकी हुई। हमने फतेहगढ़ के अंदर देखा लंबे समय से बाबा साहब की मूर्ति ढकी हुई है। भरो जी के आराम देखो या अन्य जहां जहां भी हमारे समाज के लोगों ने जागने की और आगे बढ़ने की कोशिश की है, पोखरण का देख लो, उन महापुरुषों की मूर्तियों के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं है, आपका और हमारा अपमान हो रहा है देश के अंदर। आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर? हजारों संगठन बाबा साहब के नाम पे बने हुए होंगे, लेकिन हम बाबा साहब को इन कपड़ों से आजाद नहीं करा पा रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, आजादी से संविधान लागू होने से पहले कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि आपको इस देश की शासन करती जमात बनना है, आपको इस देश का राजा बनना है। लेकिन राजा बनाने की बारी आई, उस समय हमने राजा किसी और को बनाया। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, जिस समाज की सत्ता होती है, जिस समाज का पावर होता है, उस समाज के घर में बहन बेटियां सुरक्षित होती। आज क्यों मूर्तियां ढकी हुई है? क्यों हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है? क्यों हमारे लोगों को चौराहों पे दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है? और मुसलमानों को तो बेचारों को गाय के साथ में कहीं देख लिया, चाहे गाय को चराने वालों को देख लिया, तो मोह मिशन के माध्यम से, भीड़ के माध्यम से गला घोट कर पीट पीट कर मारा जा रहा है। शर्मसार है पूरा देश कि बहुसंख्यक समाज होने के बाद आखिर हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहे हैं। 3.5% ब्राह्मण यूरेशिया से आया, अंग्रेज आया चला गया, मुगल आया चला गया, लेकिन ये ब्राह्मण आया वापिस नहीं गया। इस देश ने, इस पूरे समाज और इस देश के अंदर पूरे देश का भत्ता बिठा दिया, भारत के साथ साथ ना टुकड़े करा दिए। आज भारत के अंदर आदिवासी नक्सलवाद के नाम से मारे जा रहे हैं, भारत के अंदर मुसलमान आज महफूज नहीं है आतंकवाद के नाम पे मारे जा रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं और बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में बदल गई। जब चौकीदार भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था तो कह रहा था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, काला धन वापिस लाऊंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ना खाऊंगा और खाने दूंगा। लेकिन चौकीदार के मुंह पे ये तमाचा है कि नरेंद्र मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेके भाग गया, चौकीदार सोता रहा। आपको जीएसटी के नाम पे लूटा, आपको नोटबंदी के नाम पे लूटा और किसानों को अपना भाव नहीं मिलने से किसान अपनी फसल बर्बाद अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज जिस बच्चे को मां बाप पढ़ा रहे हैं, बीएड करा रहे हैं, एमए करा रहे हैं, वो बच्चा 35-35 साल का हो गया, युवा हो गया, आधा बूढ़ा हो गया, नौकरी नहीं लगी और वो भी अवसाद ग्रस्त होकर आत्महत्याएं कर रहा। आखिर देश की समस्याएं क्यों बन रही है? अगर कोई समस्या का निर्माण हो रहा है तो उसका निवारण करना हमको होगा। जिन लोगों ने समस्या बनाई है वो आपके समाधान कभी नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखना। उन लोगों ने चाहे बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाए, चाहे गोत्रा कांड का मुद्दा लाए, चाहे अजमेर शरीफ का ब्लास्ट करवाया, चाहे मालेगांव का ब्लास्ट करवाया, एक दाढ़ी मिल गई, एक टोपी मिल गई। सीबीआई के तौर ने कहा कि सबूत के तौर पे दाढ़ी मिल गई, टोपी मिल गई, इसका मतलब मुसलमान आतंकवादी था। आज बड़े शर्म की बात है कि देश के अंदर 55,000 मुसलमान आतंकवाद के नाम पर जेलों में घुसे हुए। एक बार अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम मेरे इलाके चोटड़ में चल रहा था तो एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष 2000 की संख्या में जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे कि देश को बाहरी ताकतें लूट रही है, बाहरी ताकतें आतंकवादी भेज रही है, आतंकवाद का निर्माण हो रहा है। आखिर इस देश के अंदर राज किसका है? प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं है, राष्ट्रपति मुसलमान नहीं है, विदेश मंत्री मुसलमान नहीं है, गृह मंत्री मुसलमान नहीं है, रक्षा मंत्री मुसलमान नहीं है, कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं है। नाम धाम के कभी गुलाम नबी आजाद को बना दिया तो कभी किसी को बना दिया। किसी भी राज्य में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है, 19 राज्यों में बीजेपी समर्थित है। आखिर मुसलमानी आतंकवादी कैसे बन गए? आपके जो करोड़ों देवता जिनको आप सीमा पे खड़े कर सकते हो, हमारे किसान, हमारे मजदूरों के जो लोग रोजगार के लिए देश की सीमा पे शहीद हो रहे हैं, देश की रक्षा
शहीद हो रहे हैं, लेकिन मरने वाले लोग भी हमारे इधर मरे तो हमारे, सीमा पे मरे तो हमारे, मंदिर मस्जिद के नाम पे मरे तो हमारे, मोहन सिंह के नाम पे मरे तो भी हमारे, गोताखंड के नाम पे मरे तो हमारे, उन लोगों का एक भी आदमी नहीं मर रहा। काफी मुस्लिम भाई यहां पे है, मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि गोताखंड इसलिए करवाया गया कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ध्रुवीकरण करवाया जाए। और फिर चौकीदार ने क्या कहा, एक भी मुसलमान को विधानसभा की टिकट नहीं दूंगा। तो हिंदुओं ने, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने छाती छोड़ी कर दी कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, मुसलमान को टिकट नहीं देंगे तो सारे सारे मोदी को वोट देंगे। और उसको पता था 200 विधानसभा सीटों में अगर 75% मुझे हिंदू के नाम पे 170 सीटें आ रही है तो 30 सीटों के लिए क्यों मुसलमान को टिकट दूं। इस देश का मुसलमान उनका टारगेट नहीं है। इस देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कभी मुसलमान की बलि लगती है, कभी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति टूटती है, कभी संविधान को आग लगाई जाती है, कभी एट्रोसिटी एक्ट के साथ में गड़बड़ की जाती है। उनका एक टारगेट है, ये केन प्रकार साम दाम दंड भेद लगाकर इस देश के अंदर ब्राह्मण शाही को कायम रखा जाए, इस देश के ऊपर मनुवाद को कायम रखा जाए। इस बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से हम लोग पूरे राजस्थान की यात्रा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम यह कर रहे हैं कि हम लोगों ने गली मोहल्ले के, जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के संगठन बाबा साहब के नाम पे बनाए हैं। हम लोगों की लड़ाई सब लड़ने का तरीका अलग है, लेकिन सारे लोग चाहते हैं कि इस व्यवस्था को चेंज किया जाए, इस देश में बाबा साहब के संविधान को ढंग से लागू करवाया जाए। लेकिन हम अलग अलग लड़ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि बीजेपी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई तो उस समय 31,000 आरएसएस की शाखाएं थी, आज 60,000 शाखाएं हो गई है। बीजेपी के माध्यम से आरएसएस का काम दुगना हो गया, लेकिन हम बटे रहे, हम अलग अलग संगठनों में बटे रहे, इसलिए किसी भी प्रकार का समाधान संभव नहीं हो पा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा यह चाहता है कि इस बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से देश के 6 लाख गांव में, एक गांव में एक संगठन रहे तो 6 लाख गांव में 6 लाख संगठन रहे, 6 लाख संगठनों को एक मंच पे लाना, उनके साथ में भाईचारा स्थापित करना और उनको ये बताना कि इस देश की मूल समस्या, इस देश के अंदर तथाकथित आजादी के बाद बहुजन समाज जो बहुसंख्यक है वो आज गुलाम है, राजनीतिक रूप से गुलाम है, संविधान चल रहा है, 131 एमपी चुपचाप है, सेक्सी रूप से गुलाम है। आज भी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे लोगों के पानी की मटकी अलग रखी जाती है, स्कूल में बच्चों के लिए खाना अलग से बनता है, स्कूल में बच्चों से खाना छुआ नहीं जाता, कॉपी को आज भी छूने नहीं देती। धार्मिक रूप से गुलाम है, पाखंड में विश्वास करते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, धूपबत्तियां जलाते हैं, बाबा साहब की 14 अप्रैल को मूर्ति लगाते हैं, आते हैं, नमन करते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती कैंडल मार्च जलाते हैं, बाबा साहब भली करना और घर में जाके सो जाते हैं। इसलिए सत्यानाश हो रहा है और यही सबसे बड़ा गुलामी का कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं होना है, मैंने जो काम इस देश के अंदर किया है, इस समाज को उत्तम बनने का जो सपना पाला है, उस काम को आप सारे लोग मिलकर जारी रखोगे तो मुझे, मेरा काम आगे बढ़ेगा और ये समाज इस देश का उपरान बनेगा, उपरान बनेगा तो बहन बेटियां सुरक्षित होगी। ये बाबा साहब ने सपना पाला था, इसको लेकर काशीराम जी ने काम किया। आज बाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेहसराम साहब के नेतृत्व में 40 साल से ये कारवा इतना बढ़ गया है कि अथा प्रेम और स्नेह मिल रहा है, लोग बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्रांति के नजदीक है, हम इस देश में आजादी के नजदीक है और आजादी ही हमारा समाधान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का फायदा नहीं लिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का फायदा नहीं लिया, लेकिन हमारे समाज के आदमी को आरक्षण दिया। वो खुद आरक्षण से पढ़ाई करके नौकरी लग गया, जब वो खुद नौकरी लगा तो उसके माता पिताजी का जीवन सुधर गया, उनका जीवन सुधर गया, तो पैसा आया तो उसने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन नौकरी नहीं लगा पाया। बाबा साहब की अम्बेडकर की वजह से इस समाज की 3-3 पीढ़ियां सुधर गई, लेकिन आज हम लोग आज तक फैलने किए जा रहे, इतने दिन भूखरी खिलाई जा रही थी, अब दूध और डाल दिया साथ में, 4 घंटे तक मास्टर दूध पिलाने में, दूध गर्म करने में, ठंडा करने में, खिचड़ी पकाने में समय बिताता है और हमारे समाज के बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। इसलिए हम आज तक इधर फेल नहीं किए जा रहे हैं, दुश्मन के बच्चे अमेरिका इटली में पढ़ रहे हैं। आइए सारे इसका सिलेबस एक,
इस प्रकार की भयंकर परिस्थितियां पैदा हो गई। बहुजन क्रांति मोर्चा चाहता है कि आपस में इतिहाद पैदा किया जाए, मजलूमों को इकट्ठा किया जाए और इस देश का दीन और दस्तूर बताया जाए। उसके लिए यात्रा निकाल रहा है और भी अनुभवी लोग मेरे साथ है, वो अपनी बात रखेंगे। मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि यात्रा चाहे जैसलमेर में निकले, चाहे जालौर में निकले या बाड़मेर में निकले, आपके जितने भी संबंधी लोग हैं, आपके संगठन के पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन करिए कि अपना झंडा लेके आओ, अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष लेके आओ, अपना बैनर लेके आओ, लेकिन देश की समस्या से लड़ने के लिए एक मंच पे आकर लड़ो, जिससे कि हम राष्ट्र संगठित शक्ति से लड़ने के लिए हमारी संगठित शक्ति का निर्माण करें और इस देश में आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को इस देश की हुक्मरान बनाए और इस देश में शांति और सद्भावना से रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने मान सम्मान दिया, जैसलमेर जिले में अथाह प्रेम दिया और हमको इंद्र बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का आदिर के अनंत गहरे से आभार, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आपने अपनी सार्वजनिक बात रखी और देश की सड़ी गली व्यवस्था पर कुठाराघात किया। इस देश के अंदर हम लोगों को अगर न्याय और मान सम्मान चाहिए तो हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। इस बात पर प्रकाश डाला, अन्याय करने वाले लोग न्याय कभी नहीं देंगे, ये बात इस बात से साबित हुई। आप आगे में प्रबोधन की कड़ी में हमारे बीच में बैठे अपने जैसलमेर जिले के बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्य प्रदीप राठौर से निवेदन करूंगा कि वे समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट में अपनी बात रखें। जय भीम, जय मूल्यवास। उपस्थित सम्मानित मंच और गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे हमारे युवा शक्ति, आज जैसा कि मोतीराम जी मेहसा ने बताया कि हमें कैसे एक मंच पर आना चाहिए, चाहे हम हमारे रास्ते अलग हो, चाहे हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें चाहे अपना खुद का बैनर अलग हो, चाहे अपना ध्वज अलग हो, लेकिन सभी को एक ही जगह अपनी सेनाएं लेकर के एक मंच पे आना होगा, तभी हमारे लक्ष्य को और बाबा साहेब के दिए हुए इस संविधान को और उस संविधान को बचाने में हम संपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। आज जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में बाबा साहेब की प्रतियां जलाई गई या हर जगह बाबा साहेब की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, हर जगह हमारी माताओं और बहनों को असुरक्षित महसूस करते हैं हम सब, हर जगह एससी एसटी और हमारे मुस्लिम भाइयों पर मॉब लिंचिंग हो या किसी भी भीड़ तंत्र द्वारा हमारे ऊपर जो कुठाराघात किया जाता है या हमारे जो अधिकार छीने जाते हैं, उसे हम कैसे बचाएंगे। हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें अभी जैसे हम आए हैं अभी तो हमें और लक्ष्य अभी आगे हो हमें बढ़ना होगा। अभी हम शुरुआत है, ये हमारी इस परिवर्तन यात्रा की एक शुरुआत है। आज हम इतने आए हैं, आने वाले समय में इससे भी सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम एक संदेश दें। हम हमारे यहाँ के जैसलमेर जिले में ही नहीं, हमारे पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में, जैसे कि हमने 2 अप्रैल को दिया था, हमने हमारे संतित होने के समाज को संतित करने का हमने दिया था सरकार को कि ये एहसास कराया था कि हमें हमारा एक चाहिए, हमें हमारा मान सम्मान हमारा स्वाभिमान चाहिए और वह हम छीन के रहेंगे। वो हमने लिया और वो भी उसमें युवा शक्ति का योगदान रहा और वही योगदान आगे रखना चाहिए। ऐसे ही हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। उसी तरह मैं ज्यादा ना बोलते हुए हमारे और भी मेहमान आए हुए हैं, लेकिन अंतिम क्षणों में यही कहना चाहता हूं कि हमें बाबा साहेब के संविधान को, हमें उनके द्वारा दिए हुए अधिकारों को और हमें हमारे हक को बचाने के लिए एक मंच पर आना होगा और एक ही मंच पर एक ही आवाज में हम हमारे आवाज को बुलंद कर सकते हैं और हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं, हमारे स्वाभिमान को बचा सकते हैं। जय भीम, जय मूल्यवास।
धन्यवाद प्रदीप जी, आपने सबको एक मंच पर आने का आह्वान किया। आगे के प्रबोधन की कड़ी में माननीय हमारे बीच में विराजमान असद मुफ्ती साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात दो मिनट में रखने का प्रयास करें। बोलो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, आप शुरू कर दो, शुरू कर दो, शुरू कर दो, उसको हाथ में पकड़ लो। محمد صلی اللہ رسولہ الکریم، میں سب سے پہلے تو یہاں پر آئے ہوئے تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام نے اپنا قیمتی وقت ٹائم نکال کر یہاں پر آئے، تشریف لائے۔ دیکھیے آج ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بڑے وپریت گھڑیاں ہمارے سامنے چل رہی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ابھی ہم سب الگ الگ ٹکڑیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ کیونکہ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، اگر ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین۔ خورشید مبین کہا جاتا ہے چاند کو، اگر ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج ہم لوگ بکھر چکے ہیں، اگرچہ ہم تاروں کی طرح چمکدار تو ہیں، لیکن جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے تب تک اسی طرح ہم لوگ پریشان ہوتے رہیں گے، اور ہمیں ٹارگٹ بنایا جائے گا، اور ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ہی صحیح، کبھی مورتیوں کو کھنڈت کر کے۔ یہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ابھی بہت کمزور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہاری سب سے قیمتی چیزوں کو جیسے چاہے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کبھی موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر کے، اور پھر ایک ودھائک یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی آتنکوادی ہیں وہ سب مسلمان ہوتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیے کہ مکہ مسجد حیدرآباد میں بم دھماکے کرنے والے کون سے مسلمان تھے؟ میں انہیں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ اجمیر کے اندر بم رکھنے والے کون سے مسلمان تھے، اور ممبئی کے اندر سکھوں کا قتل عام کرنے والے کون سے مسلمان تھے؟ یہ صرف بہانہ ہے، یہ صرف ایک بہانہ ہے تاکہ یہاں کے مول نواسیوں کو آپس میں لڑایا جائے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر بات کر آپس میں ان کو توڑ کے رکھا جائے۔ کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اگر مول نواسی ایک ہو گئے تو ہم یوروشین کو یہاں پر ٹکنے نہیں دیا جائے گا، اور اسی بات کا انہیں ڈر ستا رہا ہے، اور اسی بات سے یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور یہ چونکہ بھارت مکتی مورچہ اور بام سے یہاں پر شامل ہونا ہی میرے لیے بڑی سوبھاگیہ کی بات تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہاں پر کچھ دیر بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے میں بام سے اور بھارت مکتی مورچہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں آپ یوواؤں سے ایک نویدن کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے پکا ارادہ کر کے جائیں کہ ہم لوگ بھارت مکتی مورچہ اور بام سے کے مشن کو یہاں سے لے کر اٹھیں گے، اور ہر کچے پکے گھر کے اندر اسے پہنچا کر رہیں گے۔ کیونکہ جب تک ہم خود لوگ اسے آگے پہنچانے کا ارادہ نہیں کریں گے، جو لوگ خود قربانی نہیں دیتا ہے، جو لوگ خود اپنے اندر پریورتن نہیں لاتے ہیں، وہ پریورتن کے سپنے تو دکھا سکتے ہیں، وہ پریورتن کی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن پریورتن لا نہیں سکتے۔ اس لیے ابھی سے ہمیں ارادہ کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں خود اپنے اندر پریورتن لانا ہے، اور یہی سے ہمیں ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اس پریورتن کو پورے ہندوستان کے اندر لا کر رہیں گے۔ اور ہمارے بھائیوں کے ان نورانی چہروں کو دیکھ کر، ان پیشانیوں کو، ان کے جوش و حوصلے کو دیکھ کر، یہاں پر ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے۔ جو بھی منچ پر بیٹھے ہیں ہماری واقعی ذمہ داری بھی بن گئی ہے، اور ہماری ہمت بھی بڑھ گئی ہے آپ کا جوش حوصلہ دیکھ کر۔ اگر اسی طرح ہم کوشش کرتے رہے تو یقیناً کامیابی ہم سے تھوڑی ہی دور ہے۔ بس ہمیں اسی حوصلے، جوش و جذبے کے
के साथ में आगे बंदा होगा। मैं अपनी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बहुजनों को एक करने के लिए मूलवासियों के देश के मूलवासियों के होने का पैगाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़कर की इस कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मोहनलाल जी भरपा साहब को कि आप अपनी बात रखें। मन पर विराजमान हमारे सबसे पहले ये मेघवाल समाज के इस भवन में आपका सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न विश्व के ज्ञान के दीपक भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत सत नमन अभिमान अभिवादन करता हूं। हम शुक्रगुजार हैं उस इस शेर के जो आज इस कुर्सियों पे बैठे हैं और बड़ी शान से स्वाभिमान से ये अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था ये जंगल में रहने वाले लोग आदिवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये भी मंच पे बोलेंगे कभी। बाबा साहब ने वो अधिकार दिला दिए शिक्षा के माध्यम से। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा उस वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों शिक्षा किसी भी तरीके से अर्जित करें, कर्जा करके भी शिक्षा अर्जित करें। हमारे बीच में मुसलमान भाई विराजमान है, मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि दीनी और दुनियाई तालीम दोनों जरूरी है। दीनी तालीम से भी दुनियाई तालीम जरूरी है, उसको हासिल करें। हमारे बड़े बड़े जो अशिक्षित मुल्ले मौलवी हैं वो शिक्षा की बात नहीं करते, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ गए तो हमारे पैर नहीं छुएंगे, सलाम नहीं करेंगे। मैं उदाहरण बताता हूं, अब्दुल रहमान वकील साहब प्रधान बने, बहुत विद्वान आदमी, लेकिन दोबारा जब नंबर आया तो उनको प्रधान नहीं बनाया गया। क्यों? उसका कारण था ये विद्वान है और दुआ सलाम इतना नहीं करेगा जितना दूसरे करते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। समाज को आगे बढ़ता हुआ देखो, पीछे मत धकेलो, जो भी आगे बढ़ रहा है उसका हौसला बुलंद करो। आपको पता हो हमको किस प्रकार से काटा जा रहा है, आरक्षण हटाया जा रहा है, पिछड़ा किया जा रहा है, मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, डिमोरलाइज जाए, उसका हौसला गिर जाए, आगे बढ़े नहीं, चुपचाप सुनता रहे, धक्के लगाए, लाते मारे तो भी वो बोले नहीं, ऐसा कर दो। ये आरएसएस का मामला है। आरएसएस ये चाहती है कि कोई भी मुसलमान हक और हकूक के लिए बात नहीं करे, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाले। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान की बदौलत हम स्वाभिमान से बोल सकते हैं, गर्व सकते हैं। ये उस शेर का दिया हुआ वरदान है, इसको हम आज इस मंच से साबित कर रहे हैं।
आपको पता होगा दुनिया के लोग भारत को क्या कह रहे हैं, आपको पता है? पाखंडवाद घुसा हुआ है भारत में, विवेकहीन तर्क से, वैज्ञानिक तथ्य कहीं नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जो है विदेशों में बोलते हैं, हम ऐसी शल्य चिकित्सा करते थे, आज आदमी के सिर पर हम हाथी का सिर चिपका देते, ऐसी शल्य चिकित्सा हमारे भारत में थी। हाथी का सिर कभी चिपकता होगा? आज चिपका के कोई देख लेना, अरे बकरी का तो सिर चिपकाए, हाथी का तो नहीं। मतलब उस पाखंडवाद को आज भी हमारा प्रधानमंत्री गर्व से विदेशों में कहता है, धिक्कार है। इसी प्रकार हमको शिक्षा से वंचित रहने के लिए और नौकरियों से वंचित रखने के लिए प्राइवेट संस्थाएं खोल दी, केंद्र सरकार ने भी खोल दी, राज्य सरकार ने भी प्राइवेट संस्थाएं खोल दी, शिक्षा में स्कूलें खोल दी प्राइवेट, ताकि अपने बच्चों को तो इंग्लिश ही स्कूलों में पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे अरे भाई सरकारी स्कूल में भेजो। क्या सरकारी स्कूल में एक तो दाल रोटी मिलती है, एक अब दूध शुरू कर दिया था कि इसके पीछे कटोरा लिए फिरते रहे, और इस झंझट में वो टाइम पूरा हो जाएगा, घर आ जाएंगे। पढ़ाई नाम की चीज नहीं रही, टीचर्स जितने ही है उनको जो है सरकारी कामों में लगा दिया और बच्चे दाल रोटी में लगा दी। इस प्रकार से जो है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपने धोखा देखा होगा, आरक्षण हटा दिया। कैसे हटाया? पहले रोस्टर रजिस्टर था, जॉन्स ऑफ कंसीडरेशन था, आरक्षण में एक विशेष व्यवस्था थी, जैसे एससी एसटी ओबीसी उनका निर्धारित आरक्षण था, उसमें से जो अधिक अंक लाता वो जनरल कैटेगरी में ओपन कैटेगरी में चला जाता। लेकिन इन्होंने मनुवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट करके कि ये लोग जो है कैटेगरी जनरल एससी एसटी रिजर्वेशन आ जाएंगे और उसके बाद में ऊपर भी आ जाएंगे, हमारा क्या होगा? ओपन कैटेगरी किसी की नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ओपन कैटेगरी में भी एससी एसटी में भी हम यदि जनरल का फॉर्म भरना चाहें तो भी मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि कहते हैं आपने छात्रवृत्ति का लाभ ले लिया, आरक्षण में तो हो गए आपके जो है, आप एससी एसटी में रिजर्वेशन में हो, आपको हम इसमें ओपन कैटेगरी में नहीं शामिल करेंगे। एक तो ये एससी एसटी ओबीसी को टोटल मिला के उन 50.50% आरक्षण है, कितने लोगों को? 85% लोगों को, उन 50% शेष कितने रह गए? 15% लोगों को 50.50, यानी आधे से अधिक तो है उनका रिजर्वेशन हो गया। यह बात समझानी है लोगों को, इस प्रकार से हमको काटा जा रहा है। और तो और आपने अभी देखा होगा पंचायती राज में भर्तियां हुई, उनमें एक एक दो दो तीन तीन बैकडोर एंट्री करवा दी और अपने अपने लोगों को ले लिया। क्यों? क्योंकि रोस्टर रजिस्टर के अनुसार, जॉन्स ऑफ कंसीडरेशन के अनुसार 7 व्यक्ति होते हैं तो उसमें एक एससी एक एसटी इस प्रकार से आता है, तो क्या आपका आरक्षण बन नहीं रहा भाई, 3 में नहीं बढ़ेगा, 2 में नहीं बढ़ेगा। ये बातें यूनिवर्सिटी में कर दी, पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पीएससी से भर्तियां निकलती थी और 100 या 200 होती भर्तियां, तो उसमें 16%, 12%, 27% आरक्षण लागू होता। अब दो दो तीन तीन
नौकरियों के लिए आरक्षण लागू नहीं है, आपका नंबर नहीं आ रहा, इसमें आपका हक नहीं बन रहा, इस प्रकार से है आपको, हम सबको इस प्रकार से वंचित और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारे साथ में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उधार करके कर्जा कर दे अपनी औलाद को पढ़ाओ, हो सके तो सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को बढ़िया स्कूलों में एडमिशन दिलाओ, कर्जा करके भी अपनी औलाद को पढ़ाओ। बाबा साहब ने किताब जो है मेहनत करके उस समय में, यदि उस समय में ये नौकरी चाहते कितनी बड़े से बड़ी जज की नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं ली। ये सब हमारे साथ षड्यंत्र हो रहे हैं, षड्यंत्र को जो है ध्यान रखना है। हमारे बीच में जो मेहमान पधारे हैं, ये गंगानगर से परिवर्तन यात्रा शुरू करें, परिवर्तन किसका, हम आज भी हमारे घरों में दुश्मनों के फोटो टांगे हुए बैठे हैं, दुश्मन हमारे घरों में बैठे हैं, उसकी हम मूर्ति पूजा करते हैं, उसको घी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, पैसा तो उसमें जा रहा है थोड़ा, पंडित पुजारी आते हैं उसको कहते हैं कि आप इसके इस देवता की कथा करो, इस सत्य सत्यवीर की कथा करो, सत्यनारायण की कथा करो, और उस आपको पति मिलेगा, आपको ये मिलेगा, इस ढोंग से एक पाखंड से दूर रह के अपने बच्चियों को पढ़ाओ, शिक्षित हो जाएगी बच्चियां महिलाएं और हमारे बच्चे। अब आपके सामने जितने भी ये बालक बैठे हैं, ये युवा बैठे हैं, ये उस भूमि को मानेंगे नहीं, खेत पहाड़ को मानेंगे नहीं, काली डूंगरियों को नहीं माने, किसी को नहीं माने, ये शिक्षित हो गए, पता है इसे कुछ नहीं होना। हम उस बात की ओर जा रहे हैं, पत्थर हम निकालते हैं, काम हम करते हैं, मंदिर हम बनाते हैं, लेकिन उस मंदिर में प्रवेश के लिए तुम्हें मना है, हमें मंदिर में नहीं जाना है, उससे माथा नहीं फोड़ना है, बाबा साहब के स्कूल जाओ, पुस्तकालय जाओ, कर्जा करके औलाद को पढ़ाओ, जो औलाद पढ़ जाएगी तो आपके सातों पीढ़ियां तर जाएगी, न पति की एक पति सात जन्म मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है। मैं उस महाराष्ट्र की ज्योति ज्योति लांदीवार प्रोफेसर थी, उसने कहा जो पति ये है ना कथा, आपने चांद देखे और औरतें उपवास रखती है करवा चौथ, उसने बेचारी ने कहा बहन जो इस जन्म में किस प्रकार से हमें मिल गया और दारू पी के जूत मारे, या फिर हम कथा करें कि ये पति दोबारा मिले, दिखा रहे ऐसे पति को दोबारा, जो आएगा वो कहा आएगा, जैसा नहीं मिलेगा। अच्छा एक जन्म में तो परेशान हो गई मैं इससे मुश्किल से, और दूसरा पति फिर सातों जन्म यही मिले, मैं दूध खाती रहूं, नहीं, उपवास रखे तो पति भी रखे और पत्नी भी रखे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, जैसा होगा आ जाएगा। तो हमारे बीच में खूब मेहमान है, हम इनको सुनेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मोदी। धन्यवाद साहब, आपने भारतीय माओवादी जो सड़ी गली व्यवस्था है उस पर पुनरागार किया, इस देश के अंदर जो गैर बराबरी की व्यवस्था है उसके खिलाफ हमारे संत महापुरुषों का जो आंदोलन था असमानता के विरुद्ध समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत जो आंदोलन चलाया, उसी आंदोलन को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा इस देश के अंदर बहुजनों के साथ में जुड़कर संत महापुरुषों का जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ा रहा है, और देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी और इस धर्म परिवर्तन की माइनॉरिटी उन सबको साथ में लेकर पिछड़े पिछड़े लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है। आप लोग यहाँ सांसद करेंगे और आप आगे के जो हमारे बीच में बैठे हमारे अतिथि आज के मुख्य अतिथि जिनका नाम रेफरेंस मुख्य अतिथि के रूप में दिया है, रोहनगांधी कुमार साहब जो एनटीपीसी अंता से जनरल मैनेजर थे आज रिटायर है, आपसे निवेदन रहेगा कि आप दैस बनाकर अपनी बात रखें, आपने शासन प्रशासन को परिमानी नजदीक से देखा है। धन्यवाद गेवर जी।
मान्यवर मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण और जैसलमेर के निवासी मेरे यूथ यहाँ पधारे हुए समस्त को मेरा प्रणाम। जिस गर्मधर्मी से आप लोगों ने हम सबका स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात मोहन जी के रखे हुए उसको आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा, मोतीराम जी ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए, जिस हिसाब से आज भारत का सिस्टम चल रहा है, 70-71 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हम तो आज़ाद नहीं हुए लेकिन कहते हैं देश आज़ाद हो गया, उसमें जिस हिसाब से सिस्टम का सत्यानाश किया जा रहा है उसको अगर आप देखेंगे, हर संस्था को नष्ट किया जा रहा है, भारत की हर एक एक कड़ी को नष्ट किया जा रहा है। आपके निर्वाचन आयोग को देख लीजिए, यूपीएससी को देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे प्लानिंग कमीशन को देख लीजिए जिसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया है, और डे टू डे के बजाय 20 साल की योजनाएं बना के सोच समझ के पूरा स्टडी करके बनाया करते थे, उसको करने के बजाय डे टू डे एक्टिविटीज भारत सरकार को जो बताई जाती है वो कराया जा रहा है। आप यहां से अपने नुमाइंदे चुन के भेजते हैं संसद में और अलग अलग असेंबली में, जो हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया था उसके मूल जो पिलर थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में जो संसद में बैठे हैं केंद्र सरकार में और जो हमारे स्टेट असेंबली में जो एमएलएज बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो नीति तय करते हैं? जहां तक मैंने सिस्टम को समझा है, मैंने भारत सरकार में 35 साल दिए और जो सिस्टम को समझा है, मेरे ख्याल से आज की स्थिति स्पेशली ये 4 साल में जो आई है उस पूरे सिस्टम का, पूरे संस्थानों को एकदम खत्म कर दिया गया है। आज जितनी मिनिस्ट्री चल रही है हर मिनिस्ट्री में आरएसएस का एक नुमाइंदा बैठा है, हर मंत्री को डे टू डे वो निर्देश देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस रिप्रेजेंटेटिव का जो डे टू डे एक्टिविटीज उनको मॉनिटर करता है वो है इंडिया फाउंडेशन, बनाई गई एक आरएसएस की संस्था है जिसको पे कौन करता है, पूरा फंडिंग उसका हमारे टैक्स पेयर के लोग, हम लोग पे करते हैं। अभी आप मोहन जी बता रहे थे कि हमारा आरक्षण जिस हिसाब से किया जा रहा है वो सही सिस्टम नहीं है, आरक्षण तो आपका खत्म किया जा चुका है। अभी थोड़े दिन पहले आपने हो सकता पढ़ा होगा यूपीएससी में जितने सिविल सर्विसेज हैं, 35 सिविल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट काउंसिल, 35 सर्विसेज है। जब सिलेक्शन हो पाता है उस सिलेक्शन होने के बाद में जब लोग जाते हैं तो ट्रेनिंग के बाद में उनको एकदम पूरा सिस्टम यूपीएससी से कंट्रोल ना होके इनके हाथों में आ गया डायरेक्टली। मैं कहने का मतलब यह है कि आपकी संस्थाएं जो रेगुलेट की जाती थी, आपके हितों को देखती थी, उस हितों को पूरा खत्म किया जा चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा ने आदरणीय वामन मेश्राम जी ने इसको बहुत डिटेल स्टडी करके, और जो हमारे महानुभाव आदरणीय अंबेडकर साहब कांसीराम जी, उन्होंने जो हमें आदेश दिया था, जो उन्होंने हमें उनके स्टडीज थी, उनकी फिलोसॉफी थी, उसको बताई थी, उसमें बिल्कुल ये हट ही गए। इस वजह से ये बहुजन मुक्ति मोर्चा आप लोगों को ये समझाने की बात आपके दिमाग में बैठाने की कर रहे हैं कि जितने भी एससीज, एसटीज, ओबीसीज और माइनॉरिटीज के लोग हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पर आइए, अपने हितों को समझिए, अपने दुश्मन कौन है, अपने दोस्त कौन है उनको समझिए, और उसी हिसाब से अपनी खुद आगे की राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाइए। मैं अपना लंबा ना समय करके, यहाँ हमारे मेहमान आए हुए हैं दूसरे, वो बात रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस बात को आप ध्यान रखें।
रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद होमगार्ड जी, आप जनरल रहे, आपने IAS IPS IRS जो मानी करने वाले लोग उनको बहुत अच्छी से दे पाए, और आपने पिछले चुनाव में भारतीय बच्ची योद्धा जी को प्रमुख के पद पर उम्मीदवार पर चुनाव लगाकर आपने नदियां जो बड़ी है उसके तहत आपने मंत्री जो केंद्र सरकार के अंदर राज्य सरकार के अंदर जो के हैं उनके साथ रहकर आपने वहाँ देखा कि हमारे लोगों की उनकी क्या इज्जत है, उनका क्या मान सम्मान है। साथियों, हमारे जो लोग बैठे हैं उनकी कोई खुशी है, इसलिए आपने निर्णय किया कि मैं बहुजन क्रांति मोर्चा को वहां से क्रांति मोर्चा के द्वारा प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो बहुजनों के साथ जुड़ने का काम कर रहा है और बहुजनों के आंदोलन खड़ा करके उनकी आजादी की जो बात कर रहा है। मैं अगर नाम समान अधिकार और न्याय दिलाने के लिए मैं भी बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ में नरेंद्र सत्य से कथा मिलाकर ऐसा निर्णय लेकर बहुजन क्रांति हमारे साथ में आए हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा ने और साथ सहयोग कर रहे हैं। अब मैं प्रबोधन की आगे की कड़ी में हमारे देश में विराजमान बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजन पीएल सुखैया साहब से निवेदन करूंगा कि वे बहुजन क्रांति मोर्चा का आज आठवां दिन है और ये 16 तारीख से गंगानगर से चल के कल आपके जिला जैसलमेर में प्रवेश किया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश प्रभारी प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी, मोतीराम जी मेहसा, साथी गोविंदराज जी, मोहनलाल जी बारूपाल जी, मालाराम जी हाड़ा साहब, राठौड़ साहब और माननीय दलाराम जी, आप सभी अपना अमूल्य समय देके समाज में बदलाव की सोच लेके और इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथियों, ये सरकार जो केंद्र में बैठी है और जो राज्य सरकार है राजस्थान की, इन दोनों सरकारों ने सत्ता में आने से पहले देश का जो 40% युवा है उसकी भावनाओं को जगाया, उसकी भावनाओं को जगा के उन्हें रोजगार देने के लिए झूठे वादे किए गए। केंद्र सरकार के वादे के अनुसार 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था। राज्य सरकार के वादे के अनुसार 5 साल में 15 लाख नौकरियों के वादे किए गए थे। आज वो वादे सारे खोखले साबित हुए। ये जो जुमलेबाजी में ये बड़ा वादा भी छुप गया। साथियों, ये सरकारें बेरोजगारी बढ़ाना क्यों चाहती है, इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। जितनी भी सरकारें बनती है, चूंकि ये मनुवादी सरकारें पूंजीपतियों के कारण बनती है और मनुवादी उसका शासक है, जब पूंजीपतियों के
इशारे पे ये सरकारें बनती है तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि पूंजीपतियों को किसी बहाने फायदा दिया जाए। अब पूंजीपति का सबसे बड़ा क्या फायदा होता है कि सस्ते में लेबर मिल जा रहा है, और सस्ते में लेबर के लिए वो क्या करते हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा 10% से नीचे नहीं आने देते हैं। बेरोजगारी जब 10% से ऊपर रहेगी तो उनको बेरोजगार ज्यादा मिलेंगे, और वो बेरोजगार चूंकि रोजी के लिए वो पूंजीपतियों की फैक्ट्रियों में जाने के लिए रोजगार की तलाश करेंगे तो सस्ते में उनको पूंजीपतियों को वो बेरोजगार नौकर मिल जाएंगे। आज जो सरकारी नौकरियों में इन्होंने वादा किया था, उन सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो भर्तियां तो की नहीं, और उन सरकारी विभागों को तोड़ के और निजीकरण में डालने का काम कर रहे हैं। निजीकरण में देने से पहली बात तो आपका आरक्षण खत्म हुआ, दूसरा पूंजीपति को फायदा हो गया, क्योंकि जो एसेट्स किसी कंपनी के किसी सरकारी महकमे के जो एसेट्स होते हैं वो एसेट्स की कीमत कौड़ियों में आंकते हैं ये लोग। मैं आपको हवाला देता हूं, लक्ष्मी विलास पैलेस जो उदयपुर में बहुत बड़ा होटल था, सरकारी होटल, सरकार का होटल था, उसको कौड़ियों में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और अरुण शौरी वीर निवेश मंत्री था, कौड़ियों के दाम में उसको बेच दिया। उसके अंदर जो जो आइटम ऐसे यूनिक आइटम पड़े थे उस होटल में जिसकी कीमत वैसे आंकी नहीं जा सकती, जो अमोल कीमत अमूल्य कीमत थी उनकी, वो उन एसेट्स का कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल बिल्डिंग का हिसाब लगाया, जमीन का हिसाब लगाया और बेच दिया। अब जैसे जो ही वो सरकारी विभाग निजीकरण में जाता है, कुछ समय तक उसके कर्मचारी हमारे रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी उसके अंदर रहते हैं, या तो उनको नोटिस देके निकाल दिया जाता है या वो रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद में वो पूंजीपति वो फैक्ट्री मालिक उनको लेवे नहीं लेवे वो उसकी मर्जी पे, क्योंकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। तो ये हमारे आरक्षण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा तरीका इन्होंने अपनाया। साथियों, हमारी मांग है कि हमें निजीकरण में भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जो सेठ साहूकारों की फैक्ट्री पूंजीपतियों की फैक्ट्री तैयार होती है वो सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव टोकन मनी पे दी जाती है। जब टोकन मनी पे दी जाती है या उसको उसका आयकर का लाभ दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, और जो अपने बैंक से जो लोन मिलता है वो कम दर पे ब्याज कम ब्याज दर पे लोन मिलता है। तो जब सरकारी सुविधाएं सारी ले रहा है तो हमारी मांग ये है कि वो वहां भी हमारा आरक्षण होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। साथियों, ये मांगे कब पूरी होती है? क्या हम बिखरे हुए लोग इतने बड़े इशू को सरकार से मनवा सकते हैं? अगर हमारे जो प्रतिनिधि है सरकार में बैठे हुए, या तो वो दबाव दे तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उनके रहते हुए हमारे एट्रोसिटी एक्ट पे हमला करवाया गया, तो हमें उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हम सभी हमारे बिखरे हुए लोगों को साथ में लेके चल के और एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, संविधान
जलाया गया सरकार के नाक के नीचे, और पुलिस छोटे अपराध में पुलिस हाथों हाथ पकड़ के ले जाती है, और उनके सामने वो संविधान को जला रहे थे, लेकिन बेईमान पुलिस जो जिनसे न्याय की अपेक्षा करते हैं चुपचाप वो जलते हुए संविधान को जलते हुए देखती रही। सरकार संसद 200-300 मीटर की दूरी पे वो आज दिन तक चुप बैठी है। सरकार चुप बैठी है, पुलिस चुप बैठी है, न्यायपालिका जिसको संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों पे मुकदमा दर्ज करके और उनको सजा दिलवाई जानी चाहिए, लेकिन सरकार न्यायपालिका चुप। जो मीडिया एक छोटे से अपराध के लिए पूरी डिबेट करवाती है, सारे टीवी चैनल भरे रहते हैं डिबेट करवाने के लिए, वो देश रोक कर दिया और वो नारे लगा दिए और वो झंडा जला दिया। जब संविधान जल रहा है, ये मीडिया जो मनुवादी मीडिया जिसका मालिक ब्राह्मण है, लेकिन वो भी जुमलेबाजी में गुम हो गया। साथियों, शिक्षा की जो आज हालत है वो ऐसी दुर्दशा मेरे ख्याल से आजादी के इन 71 सालों में कभी नहीं हुई। युवा डिग्रियां ले लेके भटक रहा है और डिग्रियां भी जैसे मुफ्त में मिल रही हो वैसे डिग्रियां आराम से मिल जाती है, किसी को विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं, किसी को विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका निजीकरण कर दिया और निजीकरण वाले ना तो शिक्षक रखते हैं ना लेक्चरर रखते हैं, बहुत बुरी हालत है। ऐसी हालत कर दी, योग्यता खत्म हो रही है और योग्यता कुछ लोगों तक सीमित हो गई है। आज यूपीएससी में हमारे बच्चों को जाना हो, क्योंकि वहां पर भी जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे आते हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे आराम से यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बन के और निकल जाते हैं, और जो हिंदी भाषी लोग हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि वो उनका 5-5, 6-6 बार भी अगर वो परीक्षा दे देते हैं उसके बाद भी सिलेक्शन होना मुश्किल है। इसलिए इसकी भी हालत इतनी दयनीय है कि बहुत ही बुरी हालत है। कानून व्यवस्था की हालत देखिए इतनी बुरी है, जगह जगह अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, गाय के नाम पे लफ्जियात के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है उनके साथ में। तो ये हालत, ऐसी हालत, ऐसी दुर्दशा में आप और हम कब तक इन अत्याचारों को सहन करते रहेंगे? इसलिए आप लोगों को
सबको इकट्ठा करके और जोड़ने के लिए ये बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में यात्रा निकाल के और सबको एकत्रित करके, सारे संगठनों को एकत्रित करके और साथ में लेके और एक मजबूत आवाज बुलंद करके और इस मनुवादी व्यवस्था को खदेड़ने का काम करेगा। ऐसी आप इसमें साथ सहयोग करेंगे और आपने जो हमें मान सम्मान दिया, इतनी बड़ी तादाद में आपने एक रैली का भी आयोजन किया और यहाँ भी बहुत बड़ी सभा करवाई, आप सभी का जैसलमेर वासियों और ग्रामीणों का बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय मोदी। साथियों, बहुत सारी बातें आपको पूर्व वक्ताओं के द्वारा बता दी गई हैं, केवल दो तीन बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। जैसलमेर, पोखरण एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमि है और इस ऐतिहासिक क्रांति की भूमि से पूरी देश में ही नहीं, दुनिया में संदेश जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, पहला पोखरण परीक्षण 1974 को तत्कालीन इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा किया गया। वो ये क्रांतिकारी भूमि आपकी पोखरण जैसलमेर है। दूसरा जो परीक्षण यहाँ पे हुआ वो 1998 को 5 परमाणु बमों को टेस्ट करने का काम आपके इस पोखरण जैसलमेर में किया गया। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तीसरा 2019 में एक बड़ा परीक्षण आप लोगों के द्वारा करना है जिसमें आप जैसलमेर के लोग अग्रणी भूमिका अदा कर सकते हैं। जैसे 98 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया, वैसे एक परीक्षण आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को पटक करके इस जैसलमेर की धरती से पूरे देश और दुनिया में संदेश देना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उन मशीनों को भी आप लोगों को एक परीक्षण के तौर पे यहां पर पटकना होगा। 56 इंच का सीना वाला जब शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, एक शब्द भी नहीं बोलता है। ऊना का कांड हुआ, सहारनपुर का कांड हुआ, तो 56 इंच कहने वाले प्रधानमंत्री जी ने जो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, उन्होंने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया बल्कि कहा दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे गोली मारो। जेड सिक्योरिटी से बाहर निकल के बताओ, पहले तुम जेड सिक्योरिटी में रहते हो और कहते हो दलितों को मत मारो, मुझे गोली मारो, जहां दूर दूर तक कोई समझ नहीं पाता। भाइयों बहनों, मुझे एक बार वोट दो, अगर मैं तुम्हारा काम नहीं करूं चौराहे पर जाकर के मुझे फांसी पे लटका देना। जुमलों की हद होती है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे जुमले पे जुमले फेंकने का काम उन्होंने किया। ये बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे भारत में 6 लाख गांव में 6,000 यात्रियों को जोड़ने का संकल्प लेकर के काम कर रहा है।
परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है व्यवस्था के द्वारा। जो विक्टिम्स हैं, ऐसे उन पीड़ित प्रताड़ित लोगों को इकट्ठा करने का काम ये संकल्प बहुजन क्रांति मोर्चा ने लिया है और उसके तहत भारत के सभी राज्यों में ये परिवर्तन यात्रा का कारवां चल रहा है। राजस्थान के अंदर में इस परिवर्तन की शुरुआत 16 अगस्त से होती है। 33 दिन तक ये लगातार अलग अलग जिला, अलग अलग ढाणियों से होकर के, कस्बा मोहल्लों से होकर के और आखिरी दिन 33वें दिन जो है राजधानी जयपुर में पहुंचने वाला है, जहां लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के इस अन्याय और अत्याचार करने वाली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। साथियों, इस तरीके से हमारी जो समस्या आज है उसके लिए दुश्मन के जिम्मेदार है ही, मगर उसके साथ साथ में हम मूलवासी लोग भी जिम्मेदार हैं। हम 100% दुश्मन को हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं, उसमें हमारे लोगों का खोट है, इस बात को हमको समझना होगा। आरएसएस शासक जातियों का एक संगठन है, वो क्या करता है, हमारे इस बहुजन समाज के अंदर में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इनसे ज्यादा परिवर्तित जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन लोग हैं, लिंगायत हैं, इन लोगों के अंदर में जो आक्रोश वाले लड़के हैं, जो युवा है आक्रोश गुस्से है व्यवस्था के प्रति, उनके लिए दुश्मन काम पर लगाता है और कहता है तुम बजरंग दल में काम करो। जो ओबीसी के लोग, एससी के लोग दुश्मन के कहने पर जिंदाबाद मुर्दाबाद गाड़ियों को फूंकने का काम, मुसलमानों से लड़ने का काम दुश्मनों के कहने पर बजरंग दल में करते हैं, क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं है? अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है दोस्तों, वो अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोगों को, अपने उन भाइयों को जो अज्ञानता की वजह से अपने ही भाइयों को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जगाना होगा। आपके समाज में जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को दुश्मन काम पर लगाता है, तुम्हारा काम बजरंग दल में नहीं है, तुम विश्व हिंदू परिषद में काम करो। वो लोग विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं, हरे रामा सिया रामा करते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। हमारे समाज में जो विद्यार्थी है दुश्मनों के द्वारा बनाए हुए संगठनों में काम करते हैं, एबीवीपी एफिलिएटेड बाय बीजेपी, एनएसयूआई एफिलिएटेड बाय कांग्रेस, एसएफआई एफिलिएटेड बाय कम्युनिस्ट, आईसा जो कर्मचारी हैं वो समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं दुश्मनों के प्लेटफॉर्म पर जाकर के। इन तक में सीटू में, हिंद मजदूर संघ में, एचएमएस में, और इस तरीके से हमारी जो महिलाएं हैं समाज की आधी आबादी, उन महिलाओं की मैं बात करूं दोस्तों, तो जो विवाहित महिलाएं हैं उन विवाहित महिलाओं के लिए दुश्मनों ने संगठन बनाया दुर्गा वाहिनी, जो अविवाहित बच्चियां हैं उनके लिए संगठन बनाया उन्होंने ब्रह्म कुमारी प्रजापति संघ। इस प्रकार से हजारों संगठनों की एक लंबी लिस्ट है, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं हमारे सरकार की सेवा करते करते, ऐसे कर्मचारियों के लिए उन्होंने सेवा भारती, हमारी गुलामी के लिए हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, दुश्मन तो जिम्मेदार है ही, हमारा सर्वनाश करने के लिए वो काम कर रहा है, हम लोग दुश्मनों को अपनी ताकत देने का काम करते हैं, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। इस बात को हम लोगों ने एनालाइज किया और ये बात समझ करके, विचार करके, हजारों पीढ़ियों को जो बर्बादी के कगार पर आज के
तारीख में खड़ी हुई है उनको आजाद करने के लिए यह बहुजन क्रांति मोर्चा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। हमारे समाज में इस देश की अन्याय और अत्याचारकारी व्यवस्था को बदलने के लिए अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं मगर सफलता नहीं मिल रही है। एक संगठन एक उंगली से एक उंगली के बराबर है, अगर उंगली से आप किसी को मारोगे वो पकड़ के तोड़ डालेगा, दूसरा संगठन दूसरी उंगली के बराबर, तीसरा तीसरी उंगली के बराबर, ऐसे करके एक एक उंगली से अगर आप बार करोगे व्यवस्था पर आपको सफलता मिलने वाले नहीं है, नुकसान होगा। अगर ये सारा मुट्ठी बांध करके एक घुसा मारोगे तो ये देश की व्यवस्था बदल सकती है। दोस्तों हजारों संगठनों को यूनाइट करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा का आयोजन किया गया है। विचारधारा जो हमारी मिसाइल है आज की तारीख में, किसी भी देश की जो मिसाइल्स होती है वो विद्यार्थी होते हैं, युवा होते हैं, और वो आज की तारीख में हमारी जो मिसाइल्स है वो मिसगाइडेड है, दुश्मनों के द्वारा संचालित हो रही है। हजारों संगठन हमारे लिए समस्या नहीं है, समाज में जो चल रहे हैं हजारों संगठन व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए संकट है। व्यवस्था के विरोध में काम नहीं कर रहे, इसलिए उन हजारों संगठन का एक संगठन 1% भी व्यवस्था को डैमेज करने का काम करता है तो हजार संगठन 1000% व्यवस्था को नस्तनाबूद करने का काम कर सकते हैं, ऐसा संभव है। और ये काम आप लोग करोगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आज आपके देखो इस क्षेत्र में जो जैसलमेर का एरिया है, सारे जैसलमेर को पौड़ियों के भाव बेचने का काम सरकार ने किया है, उद्योगपति पूंजीपतियों को ये जो विंड पावर लगी हुई है, ये जो बड़ी बड़ी पंखे घूम रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन मुफ्त में देने का काम सरकार ने किया है या टोकन रेट पर देने का काम किया है। अगर यहीं पर सरकार प्रोजेक्ट लगा करके उद्योग लगा करके अगर ये काम करे तो यहां की जनता पूरी तरीके से खुशहाल हो, उनके लिए रोजी रोटी का प्रबंध हो सकता है, मगर वो ऐसा नहीं कर रही है। वो अदाणी को अंबानी को ऐसे लोगों को जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं ऐसे ही लोगों को वो टोकन रेट पर मुफ्त में जमीन दे रही है। और इस सम एरिया के अंदर में आप देखते होंगे वहां पर सारे के सारे जो बड़े बड़े पंखे घूम रहे हैं वो फ्री की जमीन में है और वहां से जो बिजली पैदा हो रही है वो 70 रुपए यूनिट के हिसाब से सप्लाई हो रही है। सरकार ने फ्री में जमीन दिया, प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा मुफ्त में दिया और जो कमाई हो रही है वो सारी की सारी कमाई जो है केवल उद्योगपतियों के पॉकेट में जा रही है, हमारे लोगों को एक नए पैसे का फायदा नहीं हो रहा। इस सत्यानाश का कारण ऐसे जैसे यहां पर ये टोकन रेट पर जमीन दी जा रही है, ये भारत के संविधान के विरोध में है। दोस्तों एक तरफ तो भारत के संविधान में कानून बनाया गया, जमीन की सीमा तय की गई कि एक व्यक्ति के नाम पर केवल इतनी ही जमीन रह सकती है, 5 एकड़ 10 एकड़ किसान के लिए, और दूसरी तरफ हजारों एकड़ जमीन का मालिक जो उद्योगपतियों को बना दिया जा रहा है। एक ही संविधान दो तरीके से काम चल रहा है। दोस्तों यहां का जो शासक वर्ग है वो संविधान को नहीं मान रहा है, संविधान को बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, इसलिए वो इस संविधान को जलाने का काम कर रहा है, देशद्रोह करने का काम कर रहा है, संविधान के साथ में द्रोह कर रहा है शासक वर्ग जो है। मगर 56 इंच का सीना चुप बैठा हुआ है, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। जिस संविधान की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है उस संविधान को उसकी छाती पर जलाने का काम दिल्ली में किया गया मगर एक शब्द उसकी जबान में लकवा मार गया, बिल्कुल नहीं बोला। दूसरी तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के ऊपर में सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, 56 इंच का सीना चुप बैठा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 7-8 साल से लेकर के 15 साल की जो फूल जैसी बच्चियां हैं उनके साथ में किस तरीके से ये दुश्मन
विशेष के लोग जो उसमें नारी संरक्षण के नाम पर जो संचालिका और संचालक थे वहां पर, वो लोग ब्राह्मण लोग देवरिया में वही लोग और हमारी बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को तस्करी करने का काम कर रहे हैं। रात को जबरदस्ती उनको उठा के ले जाया जाता है और सवेरे रोती हुई बिलकती हुई फिर जाकर के उस हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है। भोपाल का भी ये कांड है। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ उन बेटियों के ऊपर में इतना बीभत्स कांड हो रहे हैं, मगर 56 इंच का सीना चुप बैठा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। और तो उसके अंदर में जो गिरजा त्रिपाठी नाम की जो संचालिका है, मीडिया के द्वारा खबर मिली, आपने भी पढ़ा होगा कि वो बीजेपी के कलराज मिश्र की बहन है। कितनी ही शर्म की बात है दोस्तों, दुनिया की नजरों में भारत को आज शर्मसार करने का काम इन सरकार में बैठे हुए नालायक लोगों ने किया है। इनको खार फेंकना होगा, इनको खत्म करना होगा 2019 के चुनाव में। और उससे पहले भी आप लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं कि राजस्थान का आपका सेमीफाइनल है, 19 बाद में है, पहले सेमीफाइनल होने वाला है, पहले इसमें बंदोबस्त करो। 4 साल से वसुंधरा राजे चुप बैठी है, समाज में आक्रोश है। अभी गौरव यात्रा निकाल रही है और गौरव यात्रा में लोग उनका ईंट पत्थरों से स्वागत कर रहे हैं, फिर मैदान छोड़ के भाग जाती हैं। अभी दोबारा से फिर शुरू करने वाली है, इसलिए उनका बंदोबस्त भी मैं राजस्थान के लोगों से कहना चाहता हूं, उनका सादर सत्कार कैसे करना है ये आप लोग जो है देख लेना क्या करना होगा। सरकारी खजाने को खाली करके सरकारी पैसे पर लुटाने का काम चल रहा है। SC ST के जो वेलफेयर के लिए पैसा था उस पैसे को वो जो है गौरव यात्रा में खर्चा कर रही है। साथियों, इस तरीके से आज पूरा सर्वनाश हमारे समाज का इन लोगों ने किया हुआ है। मैं आप लोगों से केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग 17 तारीख को ये जो राजस्थान का समापनीय कार्यक्रम है, 33 दिन की परिवर्तन यात्रा का समापनीय प्रोग्राम होगा, इसमें आप अपने अपने साधनों से, अपने अपने किराए से, भाड़े से, रेलगाड़ियों से बस करने के बाद में एक गांव में एक बस का बंदोबस्त करो, गांव गांव में फैल जाओ, गांव गांव में जाकर के लोगों को बताओ समझाओ कि इस देश के अंदर में जन आंदोलन जन क्रांति होने वाली है, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। इस देश के मूल निवासियों के विरोध में जो सरकार षड्यंत्र कर रही है, सारे भारत के 85% समाज के लोग इकट्ठा होकर के भोजन क्रांति मोर्चा में आ रहे हैं। आप लोग भी जागृत हो जाओ, चलो एक बार मुकाबला करते हैं, फिर एक बार परीक्षण करते हैं इस पोखरण की धरती पर, फिर एक बार मुकाबला करते हैं इस शासक जाति के लोगों से। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपनी आजादी के लिए अपना साधन संसाधन लगा करके आपको 17 तारीख को पहुंचना है। 17 तारीख को केवल राजस्थान की रैली का समापन होगा, अन्य राज्यों में ये रैली सुचारू रूप से चलती रहेगी। ये यात्रा 6 लाख गांव तक पहुंचने वाली है, 6 महीने तक कम से कम 2000 लोग अपने घरों पर जाने वाले नहीं है, अपने खुद के घरों पर जाने वाले नहीं है, समाज के बीच में रहेंगे, समाज जैसा खिलाएगा वैसा खाएंगे, समाज जहां सुनाएगा वहां सुएंगे, समाज तेल पानी भरवाएगा, गाड़ियां चलेंगी, जहां तक लेके जाएगा पहुंचाएगा वहां तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे, जहां नहीं पहुंच पाएंगे वहां पर हम आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं और बाकी सारे लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा अनकवर क्षेत्र रह गया है वहां तक भी हम लोग पहुंचने का काम करें। आप लोग इस पर अमल करेंगे, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आज आपने जब से जैसलमेर में प्रवेश हुआ है तब से निरंतर यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत दोस्तों। जो भी सहयोग राशि है वो आप शुक्र करें। धन्यवाद साथियों जी, जो ये आजादी का आंदोलन चल रहा है, आजादी भोपाल में नहीं मिलती, आजादी हैदराबाद की है, आजादी क्या समर्पण किया जाता है, हमारे संत महापुरुषों ने क्या समर्पण किया, तभी हम आज सुखी हैं। और जिला यूवी भोजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो व्यवस्थाओं को संभालने की बात है,
Thank you.
अपराधी होता तो आप सर चढ़ा होते 16 कंट्री इसमें देख रहे हैं, 16 राज्य में देख रहे हैं, सीधा फसल ये कैमरा ये हो तो इसका मतलब ये चला हुआ ना सहयोग किया।